हाय मेरे YouTube फैमिली, आई होप यूर ऑल गुड। तो गाइस आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा नैनो का। वैसे आपको धुआं का इफेक्ट देखने को मिल रहा होगा, तो आपको कहीं लग रहा होगा भाई ने एडिटिंग करके लगाया होगा, बहुत चौड़ा एडिटिंग करने लग गया। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, मच्छर मारने वाला जल रहा है यार, गाड़ी के अंदर भी मच्छर आ जाता है। मेरा VIP गाड़ी नहीं, इसलिए इसके अंदर मच्छर आ जाता है। वैसे अगर आप लोगों को पता हो गाड़ी से कैसे मच्छर भगा सकते हैं ना, कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। मुझे एक ही चीज मालूम था, ये जो अगरबत्ती होती है वो जला दे तो शायद मच्छर चला जाए, जिस कारण से मैंने लेकर के जला दिया। अब पता नहीं मच्छर जाएगा या फिर नहीं, मच्छर तो ऐसे चला जाता है, बट डर होता है थोड़ा, क्योंकि यार समझ सकते हो पेट्रोल गाड़ी। कोई बात नहीं यार, जिंदगी, और कौन सा गाना था यार, जिंदगी मौत का गम है पता नहीं ऐसा करके कोई गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा। आपको याद है तो कमेंट में जरूर बता सकते हो। तो गाइस आज हम लेके आए टाटा नैनो, जो कि काफी अच्छा गाड़ी होने वाला है। प्राइस में बता दो, कुछ पिछला वाला गाड़ी जो आया था हमारा, उस पर कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था भाई हाई कॉस्ट है, तो मेरे भाई इसका कुछ कॉस्ट है ही नहीं। मतलब कुछ कॉस्ट का नहीं, मतलब ये नहीं है कि फ्री में मिल जाएगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा। हाँ कुछ कॉस्ट है, बट हाँ काफी सस्ता है, आपका पॉकेट फ्रेंडली प्राइस देखने को मिल जाएगा। और जिस तरह से गाड़ी का कंडीशन है उस तरीके का ही प्राइस है, ऐसा नहीं कि गाड़ी का कंडीशन बेकार है और प्राइस कुछ ज्यादा हाई है ताकि आप बाई ना कर पाए, ऐसा कुछ सिस्टम वाली बात नहीं है। तो गाइस चलिए गाड़ी को देख के सिस्टम सेट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो येल्लो कलर में गाड़ी है, येल्लो ही बोलते हैं ना कि ऑरेंज बोलते हैं, आई डोंट नो, येल्लो ऑरेंज कुछ भी बोलता हूँ। यहाँ पे ब्लैक बम्पर के साथ ही गाड़ी आपको देखने को मिल जाएगा, येलो ब्लैक बम्पर में आपको देखने को मिल जाता है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट का लुक काफी अच्छा है, फ्रंट में आपको दो हेडलाइट देखने को मिल जाएंगे, दो जो कि दोनों हाइलोजन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर कोई प्रोजेक्टर नहीं आता था, एंड जस्ट उसके ऊपर में आपको साइड इंडिकेटर और उसके ऊपर में एक आपको देखने को मिल जाएगा वाइपर, और बड़ा सा विंडशील, साथ में दोनों मिरर आपको ओके देखने को मिल जाता है, यानी जैसे लुकिंग ग्लास बोलते हैं, ओआरवीएम भी बोलते हैं, तीन तीन चार तरीके का नाम है यार, सब स्टेट में अलग अलग बोला जाता है। और पीछे से बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे से काफी अच्छा आपको लुक देखने को मिल जाएगा गाड़ी का, टाटा का बैजिंग साथ में नैनो CX, हाँ CX का बैजिंग आपको देखने को मिल जाता है। और इसका बूट आप पीछे से ओपन नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस मॉडल है, टॉप मॉडल गाड़ी नहीं है। और विंडशील भी काफी बड़ा देखने को मिल जाता है। पीछे का बात करें तो गाइस टेल लैंप काफी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा। इंजन का बात करें तो गाइस इस गाड़ी का आपको इंजन पीछे में देखने को मिल जाने वाला है। यहाँ पे साइड लुक देख सकते हो, साइड लुक काफी अच्छा आपको गाड़ी का देखने को मिल जाता है। टायर का बात करें तो टायर भी लगभग 70-80% तो नहीं बोल सकते हैं, 50-60% आराम से 50-60% आराम से बचो है मेरे भाई ये गाड़ी का। और साइड लुक देख सकते हो, एक भी स्क्रेचेस गाड़ी के ऊपर नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन है। दोनों साइड से आपको हम लोग दिखाने का ट्राई कर रहे हैं। और एलॉय कवर का बात करें तो भाई कुछ इसी टाइप से आपको देखने को मिल जाता है, एलॉय इसके अंदर अलग से नहीं आता था। हाँ आप चाहें तो आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो एज योर विश। और यहाँ पर लुक देख सकते हो, काफी शानदार गाड़ी है, कहीं से भी देखिए तो आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू ही देखने को मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं ओल्ड है या फिर स्क्रैचेस है या फिर कुछ भी टूटा फूटा, ऐसा कुछ भी गाड़ी के अंदर नहीं है गाइस। तो कंडीशन तो मैंने आपको दिखा दिया काफी अच्छे से, आपको कंडीशन एक बार पसंद आने वाला है। एंड इंटीरियर का बात करो तो इंटीरियर भी देख सकते हो, काफी अच्छा आपको इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बोला था बेस मॉडल गाड़ी है, सो इसके अंदर आपको स्टेयरिंग का बात करें तो 2 स्कोप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, टॉप मॉडल के अंदर 3 स्कोप स्टेयरिंग व्हील आता था। और म्यूजिक सिस्टम का बात करें तो जब से गाड़ी बाई की है भाई ने, तब से म्यूजिक सिस्टम लगवाया ही नहीं है, आई डोंट नो कैसे बिना म्यूजिक सिस्टम के लोग रह लेते हैं गाड़ी के अंदर, मेरे से तो 1 सेकंड में रहा नहीं जाता। मेरा म्यूजिक सिस्टम खराब हुआ था और जस्ट आधे घंटे के अंदर वो चला गया था यार बनवाने के लिए, क्योंकि रहा नहीं जाता, गाड़ी चलाने का मजा नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 AC विंड फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा आपको कूलिंग देगा और हीटिंग में भी काम आएगा, यानी ठंडा गर्मी दोनों में आपको काम आने वाला है। ग्लव बॉक्स का बात करें तो डैशबोर्ड में काफी बड़ा आपको स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि ग्लव बॉक्स काफी अच्छा है। और सीट क्वालिटी की बात करें तो यार सीट क्वालिटी काफी जबरदस्त है गाड़ी का, देख सकते हो सीट पे बैठने के बाद सच्ची बताऊं तो आपको बहुत ज्यादा मजा आ जाने वाला है, कंफर्ट बहुत अच्छा है। और रियर सीट का बात करें तो रियर सीट भी देख सकते हो, रियर सीट भी काफी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। और लेगरूम और हेडरूम का बात करें तो लेडरूम नहीं मेरा भाई यार, क्या बोल देता हूँ मैं भी जल्दी के चक्कर में, लेगरूम ठीक है, लेगरूम जहाँ लेग रखा जाता है, और हेडरूम मतलब जहाँ हेड रखा जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इंटीरियर सब कुछ मैंने आपको ओवरऑल गाड़ी का सब कुछ दिखाई दिया, तो अब क्या ही दिखाएगा, बकवास करना यार। चलो गाड़ी का और डिटेल बता दो, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा नैनो 2012 मॉडल है, ठीक है, वेरिएंट तो बता ही दिया था, XE वेरिएंट है। एंड प्राइस का भी बात करेंगे, थोड़ा सा वेट कर लो यार, पेट्रोल वेरिएंट गाड़ी है, किलोमीटर बता दो कितना चला हुआ, तो 50,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुका है, तो समझ सकते हो यार काफी अच्छा चला हुआ है, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं, फिर भी नॉर्मल चला हुआ है। एंड गियर बॉक्स बताऊँ तो आपको मैनुअल गियर इसके अंदर देखने को मिल जाता है। एंड ऑनर का बात करें तो सेकंड ऑनर गाड़ी है, आप लेने के बाद बन जाओगे थर्ड ऑनर। एंड लोकेशन बताऊँ तो मुंबई में ये गाड़ी है मेरे भाई, अभी बज रहे घड़ी में 1:30, पता नहीं सामने एक बंदा है रोड पे गाड़ी लगा दिया और पता नहीं हेडलाइट जला के इधर ही देख रहा है, समझ रहा है लड़की हो क्या, बैठ निकल, पता नहीं क्या लोग सोच के रुक जाते हैं यार, चलो जाने दो उसको रुकने दो, हमें क्या मारा क्या जा रहा है यार, मेरे बाप का क्या जा रहा है, मेरा बाप कुछ नहीं, मेरा बाप गाड़ी दे दिया, हम चला रहे हैं घूम रहे हैं और क्या करेंगे। चलो कोई ना भाई, गाड़ी में जा रहा है देख लेना, पीछे से निकलते हो शायद आपको दिख जाए कैमरे में। AMG OLX का गाड़ी है मेरे भाई,
तो आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर और प्राइस बता दूं तो 64,999 रुपीज़ देखो गाड़ी जा रहा है। इस गाड़ी का प्राइस है, उस गाड़ी का नहीं, इस गाड़ी का प्राइस है जिसका मैं अभी रिव्यू कर रहा हूँ टाटा नैनो का आप लोग के लिए। इसका प्राइस है 64,999, लगता है भाई जो होता नहीं है मॉल वाला रेट, उस रेट से अपने गाड़ी को सेल कर रहे हैं। तो मेरे भाई एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, ये जो गाड़ी आपने प्राइस सुना फिक्स प्राइस नहीं है, प्राइस नेगोशिएबल है, सो प्राइस थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, सो डोंट वरी, टेंशन ना लो कि प्राइस फिक्स है ऐसा कुछ भी। और यार ज्यादा धुआं उठ रहा है ना, थोड़ा मेरा शकल गंदा आ रहा होगा, ऐसे शकल थोड़ी देखना है आपको, तो गाड़ी देखना है, तो गाड़ी देख के मजे लो यार, मेरा शकल से कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस कॉन्टेक्ट नंबर की बात करें तो कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाकर कॉन्टेक्ट नंबर उठाएं एंड कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करें, एंड डायरेक्टली आप कॉन्टेक्ट नंबर से कॉल करके ऑनर से सीधा बात कर सकते हो। अगर मैं बीच में घुसूंगा तो बेशक कमीशन कटेगा, और मैं बीच में घुसना भी नहीं चाहता और घुसूंगा भी नहीं यार, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे भाई कि मैं कमीशन लेने के चक्कर में आऊँ। मेरा बस काम है रिव्यू कर देना, बाकी आप लोग का काम है देखना वीडियो को, तो वीडियो देखो अच्छा है ना, तो मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार। और चैनल पर जो लोग नए ऐसे तो सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं, और भी बहुत ज्यादा थैंक यू मैं बोलना चाहता हूँ, जितना हो सकता है उतना थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे कर दो यार, कुछ नहीं जाता, फोकट में सब्सक्राइब होता है, आपको ही मजा आएगा दूसरा वीडियो देखने में। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद जय भारत।